सब जल जय मसीह। मैं तुषमा रहने वाली हूँ। मोर नाम आलती पंकजना है। जांगीर जिला चापा है मोर जिला। मैं धन्यवाद करत हूँ प्रभु को वचन पे पूरा विश्वास के चल द्वारा चला थन हमन। और हमन जब से भैया पास्टर के प्रार्थना दुआ सुना थन तब लमन मई पिला भला चंगा हन। मैं प्रभु धन्यवाद और विनती करत हूँ ताकि भैया पास्टर हमन के लिए रोज प्रार्थना और दुआ कर धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए जो आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर आज हर एक एक प्रकार की समस्याओं से पिता इन्हें आज़ाद कर। हर प्रकार के दुख और हर प्रकार के जो मन इस समय दुखित हैं चिंतित हैं परेशान हैं हताश हैं निराश हैं प्रभु आज इनके जीवन की देख रेख कर खुदा यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। हम आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं दुआ करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करे हमें आशीष दे। आज हमारे जीवन के हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु मसीह के नाम से हालेलुया धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों आज सुंदर से शाम के लिए जिस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है हमें बरकत देना चाहता है और खुदा हमारे हर प्रकार के कामों में परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है हमारी सहायता करना चाहता है हालेलुया। मेरे प्रियो आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार का दुख है वो परमेश्वर के सामने रखें ताकि आज खुदा हमारे प्रार्थना को सुने हमें जवाब दे हमें हर प्रकार के हालात से हर प्रकार के मुश्किल घड़ी से प्रभु हमें बचाने वाला है। और खुदा की महिमा करते हैं प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज अपने बच्चों को ब्लेसिंग करें उन्हें आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम खुदा आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां आपके वचन को आपकी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु आज आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में अच्छी खुशहाली आए। पिता परमेश्वर आज जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं परेशान हैं अपने जीवन में परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा जिस तरीके व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 1 में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है और प्रभु कहते हैं यहाँ पर यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएँ जो मैंने आज तुझे सुनाया है चौकसी से उसे पूरी करे तो चिंता लगा करके सुने और तो उसे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो आज इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के वचन को यदि हम अपने मन में ध्यान से अपने मन में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की बातों को सुनते हैं प्रार्थना को उनकी सब आज्ञाओं को मानते हैं तो खुदा हमें इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ बनाएगा सबसे ताकतवर बनाएगा क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है वो हमें आशीष देता है वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है हमें हर प्रकार के हालातों में प्रभु हमें आज़ाद करने के लिए आया है। हर प्रकार के दुख हर प्रकार की चिंताओं में खुदा आज हमें ब्लेसिंग करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी के सभी प्रकार की जातियां हैं उसमें मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा मैं तुझे ताकतवर बनाऊंगा मैं तुझे हर प्रकार से मजबूत करूंगा हर तरीके से तेरे जीवन में तुझे ब्लेसिंग करूंगा तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो ये सुंदर से शाम के लिए प्रभु का आप धन्यवाद करें आपकी महिमा करें और परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करे आपको आशीष दे। हालेलुया इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीष तुझ पर पूरे होंगे और तेरे जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष आएगी। जिस दिन हम अपने यहोवा की परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनते हैं उस दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में तुझे आशीष दूंगा तुझे बरकत दूंगा और तेरे हर प्रकार के काम सफल होंगे जो तेरे आज काम अनेक प्रकार के जो रुके हुए हैं आज जो रुकावटें आ रही जो समस्याएँ आ रही जो दिक्कतें आ रही जो प्रॉब्लम आ रही हैं खुदा आज आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग देने जा रही यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि धन हो तुम नगर में धन हो तुम खेत में धन हो तुम तेरी संतान और धन हो तेरी भूमि की उपज में और जिस तरीके से गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे धन हो तेरी टोकरी में और धन हो तेरी कठौती में धन हो तू भीतर आते समय धन हो तो भीतर जाते समय। मेरे प्रिय भाई बहनों खुदा का वचन आज हमें ब्लेसिंग करता है आज जो भी आप काम करते हैं उसमें परमेश्वर आपको बरकत आपको आशीष देता है। इसीलिए यहोवा कहता है कि तू यदि अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और उसे अपने मन में फॉलो करता है अपने शरीर के द्वारा पिता परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको चंगाई देगा आपके हर प्रकार के हालात हर प्रकार के जो बिगड़े काम हैं प्रभु आपको ब्लेसिंग करना चाहता है आपके आपके जीवन में हर तरह तरीके से आपको बहुत सारी बरकत देना चाहता है। आप जो काम करते हैं उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर।
यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर में आशीष दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ऐसा करेगा तेरे जीवन में, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे और तू हर प्रकार के मार्गों पर चढ़ाई करेगा और तू उसमें विजयी पाएगा और तेरे हर प्रकार के जो मार्ग होंगे वे खुलेंगे। आपके जीवन में आपको बरकत देने जा रहा है। आपकी जो भी शैतानी ताकत आपके जीवन में काम करती है, जो भी शैतान है वो हार जाएगा, आप विजयी होंगे। आपके जीवन में हर प्रकार के मार्ग हो खुलेंगे और हर प्रकार की आशीष आपके जीवन में आएगी, आपके बच्चों के जीवन में आए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे खत्तों पर और जितने तेरे काम में हैं तू हाथ लगाएगा, उन सबों में यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा है परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें जा करके आशीष मैं तुझे दूंगा और बरकत दूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए और उसके मार्गों पर चले तो वह आपकी शपथ के अनुसार, वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा स्थिर करेगा और तेरे जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हमें ब्लेसिंग करते हैं, आप हमें आशीष देते हैं, आज हमारी हर प्रकार की चिंताओं को दूर करते हैं। प्रभु इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार के कामों को सफल करेगा, हर प्रकार की जो चीज़ हैं उसे पूरा करेगा। यहोवा हमें आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें खुदा से प्रार्थना करना है, विनती करना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीष दे, हमारी हर प्रकार की घटी और कमी को प्रभु पूरा कर सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ प्रार्थना करते हैं, आज सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रार्थना में उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर आज उनके घरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माओं के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन की देख रेख करने वाले, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं अपने जीवन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो बीमारियों को, समस्याओं को देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियाँ, हर प्रकार के दुख उनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है। पिता परमेश्वर हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से बीमारियां दूर हों, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज रोते हैं, आज जिनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आज बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस समय जो हताश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, आज जो सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द या घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज चाहे किसी के जीवन में हल्का सा फीवर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हम, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इनके प्राणों की रक्षा की, आपने इनके घर को संभाला है पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को, आपने इनके हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन है आज इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं अपने जीवन में, आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके घरों में ढेर सारी बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, इनके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो आज इस समय रिसीव करते हैं प्रार्थना को, आज जो इस समय
जिनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है या किसी भी प्रकार का अनेक प्रकार से बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जिनके हृदय में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पिता, जिनके ब्लड बीपी शुगर अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां समस्याएं दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके घर में हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन उनके हालातों को ठीक कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करके, कि वो आपसे विश्वास करते हैं, आपके वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने संसार को लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सभी मसीह भाई बहन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जो बच्चे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके बेटे और बेटियों के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं और अनेक प्रकार के जो गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां समस्याएं हैं जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, किसी वक्त इनके घरों में वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आज वो चंगे होने पाए और अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा देने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए, ढेर सारी आशीष, ढेर सारा खुशियां उनके जीवन में आने पाए। हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हाथ रखे वहां पर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां समस्याएं और दुख निकलेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, यदि आप बीमार नहीं है तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखे, आज आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारी आशीष आएगी आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके घर से, आपके परिवार से निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने अपने मन में जो विचार आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो बीमारी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं घर लेकर के, और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में सुख आए और शांति आए, और वो हर प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में बाधा बनती यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काम आपके बिगड़े हैं वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आपने अपने बच्चों को आज आशीष दी है, बरकत दिया है, आज जिनके घर में जो समस्याएं थी उसे ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपने आज्ञा दी है, आपके मन में जो भी कुछ था परमेश्वर ने उसे देखा और सुना और ठीक किया। आपको बिलीव करना है, भरोसा रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की जो भी समस्याएं आपके जीवन में थी उसे परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, वो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा
इच्छा के अनुसार दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुतायत से आशीष देगा। और हाँ, आप गवाही को जरूर दें और जरूर सुने और जरूर देखें और जरूर अपनी गवाहियों को भेजें। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी गवाही को वीडियो को बना के जरूर भेजें, ताकि हम और लोगों को दिखा सकें। और परमेश्वर के गवाही को जब लोग देखेंगे तो और लोगों के जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी और आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति होगी। परमेश्वर आपके परिवार